आज से करीब 10 साल पहले की बात है, मतलब 2011 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। मेरे पिताजी खेती करते थे, किसान थे वो, और उन्होंने पढ़ाने के लिए जो उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, मतलब 2.5 बीघे बहुत कम ज़मीन होती है, उन्होंने पूरी बेच दी। पूरे गांव में सब लोग हंसते थे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको ये विश्वास था कि मेरा बेटा कुछ कर सकता है। पहली क्लास जो मैंने ली थी, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 20 बच्चे थे उसमें, उस क्लास में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस लेवल पे पहुंचेंगे, ऐसा कुछ काम करेंगे, पूरे देश भर में लोग जानेंगे हमें, या इतने सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, मतलब ये कभी नहीं सोचा। लेकिन अपना काम करते गए और अपने काम में कोई लापरवाही नहीं की, आज तक अभी भी नहीं करते हैं। 99.9% DNA हम लोगों का सेम है, लेकिन 0.1% अलग है, और वही हमें सबसे अलग बनाता है, वही हमें सबसे यूनिक बनाता है। तो हम यूनिक हैं, हमें ये बात समझनी होगी कि हम सबसे अलग हैं। हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो बाकी हमें सबसे अलग करती है। बस हमें उस पावर को पहचानना है, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। बस अपने काम में ईमानदारी रखें और अपने माँ बाप को हमेशा याद करें। जैसे आप पढ़ने के लिए आए, बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने ट्रैक से भटक जाते हैं कभी कभी, कि आप क्या करने आए और क्या करने लगते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अपने दिमाग में रखें, अपने माता पिता के बारे में सोचें कि किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। अभी तक 2020 तक हम लोग इंडिविजुअल पढ़ते रहे, उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी जो आप सभी जानते हैं, कि एक क्लास पढ़ी, फिर दूसरी क्लास की, यहाँ एक्स्ट्रा क्लास, वहाँ एक्स्ट्रा क्लास, मैनेज नहीं हो पाती थी चीज़ें। तो मतलब उस समय जो सपोर्ट मिला, और फिर हम लोगों ने करीब 1-2 महीने तक बैठ के काम किया, तो समझ में आया कि जो मेरा इंटेंशन है, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, उस तरीके से पुलिस सर भी काम करते हैं। तो मैंने तो कभी सर बोला नहीं, मेरे मन में तो ये था कि मैं जब मिला तो मेरे मन में ये आया कि भाई मेरे बड़े भाई की तरह है, और उसी तरह का स्नेह उनसे भी मिला। फिर विचारधाराएं मिलती गई कि भाई कुछ ऐसा बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे का बेनिफिट हो, क्योंकि इंडिविजुअल करते करते 10 साल हो गया, हम लोग काम भी करते हैं लेकिन उस लेवल का कोई रिजल्ट नहीं दे पाए। मतलब जो टॉप रैंक होती है उसके लिए हम काम तो करते हैं, बच्चे आप ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके बारे में 360 में 360 है आपके बीच में है, इस समय 360 में 360 लाने वाले, लेकिन ये बच्चे 700, 715, 720 नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत फिजिक्स में है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत केमिस्ट्री में है। तो इसी के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे सबको बेनिफिट हो, और फिर ये हम लोगों ने एक नया वेंचर तैयार किया, गंगवार ERDR इंस्टीट्यूट, जिसमें आप पढ़ते हैं।